हमने अभी लगुना अंजुना रिसोर्ट में चेक इन किया है, जो है अंजुना बीच के बहुत ही करीब, और ये है रूम बाहर से जो कि है एक डोम स्ट्रक्चर में, बहुत ही सुंदर रूम है। चलिए बनाते हैं फटाफट से इसका रूम टूर बेला द डार्लिंग के साथ। दिस इज द एंट्री टू द ब्यूटीफुल रूम ऑफ लगुना अंजुना। पूरा रूम एक डोम के स्ट्रक्चर में है। यहाँ पे स्नेहा इज वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट्स कि उसको इंस्टा पे क्या क्या करना है जो मुझे नहीं दिखाती है इधर कभी भी। सो कर्टेंस, एसी, बहुत ही प्यारा सा सीलिंग, बहुत ही प्यारी सी उसके अंदर लाइट, एंड यहाँ पे है एक एक्स्ट्रा बेड जो कि बेला का है, ये थोड़ा सा गंदा कर दिया बेला ने। और ये है हमारा बेड जिसपे हम तो नहीं, बेला ही सोती है। और ये देखो मेरे पीछे पीछे घूम रही है अरे रूम टूर तो बनाने थे बाबू, रुक जा, रूम टूर बनाने थे, रुक जाओ। उसका टॉय है वो, पू नाम है उसका। देन सामने टेबल, सोफा एंड सामान रखने की जगह, यहाँ पे एक फ्रिज भी है, यहाँ पे आप अगर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो वो रख सकते हैं हमारे यहाँ पे इसमें सिर्फ आपको कर्ड मिलेगा जो स्पेशली बेला के लिए होता है। कर्ट, अरे बेला का कर्ट नीचे गिर गया इधर से फ्रिज से। क्या दिख रही है, कर्ट दिख रही है, ये कर्ट है बेला का। ओके सो ये कर्ट हो गया बेला का यहाँ पे। देन ये वार्डरोब यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग्स, और यहाँ पे है एक रेडियो निकले मिरर जो बहुत ही सुंदर है। देन इसका आता है मेन एक टर्किश डिलाइट जो कि है वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और यहाँ पे है टर्किश हमाम स्ट्रक्चर में सब कुछ बना हुआ, बहुत ही बड़ा और अच्छा रूम। और यहाँ पे भी एक मेरा, देखा मैंने कहा था ना ये बेड बेला का है और ये बेड हमारा है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग रूम ऑफ लगुना अंजुना। ट्रस्ट मी, ये जो बेड यहाँ पे है ये थोड़ा सा नॉर्मल जो टिपिकल होटल्स में बेड होता है वैसा नहीं है, इट्स ऑन द हार्डर साइड, बट देन इस पे जो नींद आती है ना मजा आ गया। हम लोग दो दिन से 10:15 बजे उठ रहे हैं सुबह। बहुत ही अमेजिंग सा रिजॉर्ट है भाई ये, और इधर है इनका स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल विथ नेचुरल वाटर विदाउट क्लोरीन, बहुत ही बड़ा है और काफी डीप भी है। और इसके साथ यहाँ पे है इनका बीच वॉलीबॉल तो नहीं बोलेंगे इसको, स्विमिंग पूल वॉलीबॉल जरूर बोल सकते हैं, ये फैसिलिटी भी है। सामने जो दिख रहा है वो यहाँ का रेस्टोरेंट, बहुत ही लश ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर बना हुआ है ये। रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, क्या हो गया गाइस? यहाँ का खाना जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं, बट ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी और ऑमलेट, उससे समझ में आता है कि खाना यहाँ का कितना अच्छा होगा। तो और एक भी दिन अपना वो नहीं खराब नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ ब्रेकफास्ट, अमेजिंग ब्रेकफास्ट। बेला इज चेकिंग आउट फ्रॉम लगुना अंजुना, इट वाज एन अमेजिंग स्टे, अच्छा था, काफी अच्छा था, काफी बजट फ्रेंडली रिजॉर्ट हमको मिल गया था विद ब्रेकफास्ट। तो आपको अगर ये जगह पे रुकना है तो आप डेफिनेटली रुक सकते हैं, एंड अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है आपकी हेल्प करिए तो प्लीज लाइक इट, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब इट, एंड डोंट सेल फॉर एवरेज बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। बाय बाय।